एक और संकट आता है, जो नए लोग आए हैं उनको तो तुरंत अनुभव आएगा। जब आप पहले घर से निकलते थे तो ऑटो रिक्शा वाला भी आपके सामने देखता नहीं था, टैक्सी वाला भी सोचता था कि ये इनको कहाँ ले जाऊँगा, तो आता नहीं था। ठीक, अभी आपने देखा होगा स्टेशन, कुछ ऐसी गैंग रहती है, वो सीधी एयरपोर्ट, अरे आइए आइए, नमस्ते, आप वहाँ से जीत के आए, आइए आइए आइए, अरे गाड़ी रेडी है, न पहले आपने देखा न देखा, कैसे आ गया भाई वो। ये दिल्ली की एक दुनिया है जी, और वो आते ही आपको इतना प्यार करेंगे, आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप एक प्रकार से पंगु बन जाएंगे, क्योंकि आप नए हैं, खाना कहाँ खाने के लिए जाना पता नहीं है, पार्लियामेंट जाना है कैसे जाना, वो कहते हैं चिंता मत करो मैं ले जाता हूँ। तीन चार पाँच दिन में तो आपकी, मनुष्य का स्वभाव है, ऐसी दोस्ती हो जाती है, फिर करता है यार इसको कहाँ निकालो, और एक दो साल के बाद पता चलता है ये तो बड़ा खिलाड़ी है, और इस खेल के अंदर आपका बर्बादी हो गई। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। यहाँ जो पुराने उन सबको मालूम है कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं, और एक बार परिचय हो जाता है, आंख की शर्म आ जाती है, फिर निकाल नहीं पाते आप, पता चलने के बाद भी नहीं निकाल पाते, मनुष्य का स्वभाव होता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, पुराने एमपी भी आपको कहे कि मेरा ये अच्छा है, मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ा हूं या मैं हार गया हूं, इसको तुम देख लो बहुत काम करेगा, बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाओ जी। आप अपने इलाके की योग्यता के लोग आप खुद चुनिए, जिन पर आपका पिछले 10-15 साल का अनुभव हो, अदरवाइज ऐसी एक व्यवस्था दिल्ली में है जी, वो अच्छों अच्छों को फंसा देती है और बर्बादी का कारण बन जाती है, और इन चीजों से हमको बचना है।